नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अभी अभी 6, 7 और 8 दिसंबर को देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में इंडिया नेपाल सीरीज हुई थी, T20 सीरीज ब्लाइंड क्रिकेट। तो उसी की कुछ झलकियां, जहां मैं माइक के साथ था और अरेंजमेंट्स में था, देखते हैं कि किस तरह से क्या कुछ हुआ और कैसी कैसी बातें हुई, थोड़ा सा कुछ आप सभी के लिए मेरे पास है, तो वो आप सभी को पेश कर रहा हूँ। देख लीजिए, सुन लीजिए और देखते रहिए, फिर कुछ नया लेकर आएंगे, कुछ अलग सा लेकर आएंगे। खेल दिया, वहाँ फील्डर मौजूद, लेकिन जब तक कोई रन नहीं लिया यहाँ पर दोनों ने ही। विकेट को खेल दिया काफी तेज, यहाँ पर जरा सी मिसफील्ड हुई, लेकिन तब तक दोनों ने बात कर एक रन पूरा कर लिया। टी20 के दीपक को तैयारी कर रहे हैं, अभी तक तो काफी अच्छा टीम को साथ में लेके जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अजय, अगर इस सीरीज की बात करो, मैं इंडो नेपाल इंडस एंड बैंक इंडो नेपाल सीरीज की अगर बात करो, इंडिया नेपाल की, ओडीआई कानपुर में खेला था आपने और कानपुर में भी आप सुनील रमेश की कप्तानी में खेल रहे थे और यहाँ पर दीपक की कप्तानी में खेल रहे हैं। दो वेन्यूज, दो अलग अलग फॉर्मेट और दोनों में ही आप फील्ड में खेल रहे हैं, लेकिन कप्तान दोनों अलग अलग थे, तो दोनों के अंडर खेल के कैसा लग रहा है आपको और दोनों में क्या अंतर अभी नजर आ रहा है आपको, क्योंकि दोनों नए हैं कप्तानी में? खुशी लग रही है, एक ऊपर एक ऐसा उसका टैलेंट दिखा रहे हैं, तो ओडीआई फॉर्मेट के लिए कोऑपरेशन चाहिए, इसमें T20 में तुरंत डिसीजन लेना पड़ता है। कभी कभी दीपक तकलीफ हो तो वो मेरे को पूछते हैं बाहर से, जो कोच साहब डेविड सर, वो भी बाहर से इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसको ख्याल रख के अंदर खेलना पड़ता है। अच्छा, अब आज के मैच में अगर वापस आते हैं तो 175 का टारगेट है 20 ओवर्स में, और अभी तक हमने यहाँ पर ना तो आपका बल्ला चलते देखा है और ना दीपक का बल्ला चलते देखा है, और बॉलिंग में भी ज्यादातर आप दोनों ही बात कर रहे हैं और B1 खिलाड़ी को ज्यादा मौका दे रहे हैं। 175 का टारगेट है और 20 ओवर आपके पास है, तो आज किस तरह से बल्लेबाजी होने वाली है और क्या चल रहा है अभी आपके दिमाग में 175 का स्कोर देखकर? तो एक क्वेश्चन कैप्टन को, कोच को पूछना है, क्योंकि किसको ओपनिंग भेजता है, कैप्टन प्लान है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी देता दिया तो पक्का ऐसा सब प्लेयर वेट कर रहे हैं उसका टैलेंट दिखाने के लिए। B1 की क्यों इतना बॉलिंग दे रहे, मतलब फ्यूचर हम लोग एशिया कप है, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप है, उसके लिए B1 को मैनेजमेंट ऑब्जर्वेशन में रखा है, कौन फ्यूचर टूर्नामेंट्स की यूज होता है, इसलिए ज्यादा B1 की यूज कर रहे हैं। थैंक यू अजय और गुड लक फॉर योर कमिंग टूर्नामेंट्स। अजय रेड्डी मेरे साथ, कप्तान रमेश बनिया द्वारा, और उसके बाद राष्ट्रपति जी ने बुलाया, उसके बाद निश्चित ही यहाँ पर बहुत बड़ा मुहिम सा चल गया था, रन मिलते ही, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहाँ पर नेपाल के कप्तान रमेश द्वारा, उन्होंने अपने चैनल अगली गए, बाकी News 18 और सब जगह जब इस तरीके की चीजें आगे मुहिम बढ़ी, सिर्फ एक माननीय प्रधानमंत्री के ट्वीट से और अपने निवास से बुलाने के बाद, तो डेफिनेटली एक लोकप्रियता आई हमारे राहुल द्रविड़, और उतनी ही अच्छी फील्डिंग फिर से रमेश बानिया, इसमें पॉइंट पर फील्डिंग कर रहे हैं, आकर्षित हुआ कि यार ब्लाइंड क्रिकेट भी एक कोई चीज है, जब इस तरीके बड़े बड़े दो आ रहे, तो मैं यही अपेक्षा करता हूँ की स्ट्रोक्स और उतनी ही अच्छी फील्डिंग और आम पब्लिक से भी, कि आप एक बार आके तो देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि वाकई में ब्लाइंड क्रिकेट क्या है, जो कि देखने में बहुत सिंपल लगता होगा, बट जब आप वाकई में ग्राउंड पे आके देखेंगे, जब आपको पता चलेगा कि वाकई में ये बहुत टफ क्रिकेट है। इस बार बीट कराया दीपक मलिक को, संघर्ष होता है और संघर्ष के B1 कैटेगरी के खिलाड़ी हैं नरेश, हार तय करते हैं और सरकार गेंदबाजी सरकारें और जो भी सोशल ग्रुप्स हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, वो आगे आए, जैसे आप आगे आए प्रहार, और इस बार उनके ऊपर से सीधे 4 रनों के लिए सीमा रेखा से बाहर दीपक मलिक के बल्ले से निकला अंपायर अमरजीत कैसर। जिस तरह से आपने पहला मैच खेला T20 का, और पहले मैच में आपने काफी अच्छी, नेपाल ने, मैं कहूंगा कि आपकी टीम ने अच्छा खेला, काफी देर तक रोक के रखा था, तो आज दूसरा है 175
5 का टारगेट दिया हुआ है, तो आपको क्या लगता है जिस तरह से अभी तक दोनों बल्लेबाज उतरे हैं B2 B3 के, इंडिया के काफी अनुभवी हैं दोनों और अच्छा स्ट्रोक्स भी खेलते हैं, लेकिन जिस तरह से आपकी टीम ने 10 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और बांध के रखा हुआ है, तो आपको क्या लग रहा है कि कहां तक मैच अभी जाएगा, कितने ओवर्स तक? ये मैच जाएगा शायद 20 ओवर तक ही जाएगा, क्योंकि नेपाल में बैटिंग और थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, फील्डिंग में बहुत टाइट कर रहा है, इंडिया को रन लेने के लिए मौका नहीं दे रहा है। 20 ओवर तक चले जाएगा शायद, उसमें इसी तरह से फील्डिंग टाइट हुआ था, इंडिया को नेपाल ने जीतने बहुत संभव है। बिल्कुल, जाते जाते और एक प्रश्न, तपाईँ नेपालबाट आएको यहाँ कस्तो लाग्दैछ तपाईँलाई यहाँ हाम्रो देवभूमि उत्तराखण्डमा? नेपाल यहाँ उत्तराखण्ड आउन हामीलाई बहुत एकदम राम्रो लागेको छ, किनभने देवभूमि भन्दाखेरि किनभने एउटा धर्मस्थल, एउटा चार टाङ मात्रै केही भूमि पनि हो, त्यहीमा यहाँ टिक्न पाउँदा एकदम खुसी लाग्छ, गर्व लागिरहेको छ। थैंक यू एंड गुड लक। ये थे उपेंद्र श्रेष्ठ हमारे साथ नेपाल के ऑफिशियल। वापस चलते हैं मैच में।